सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देख सकते हैं, मैंने होम केयर का एक टोस्टर मेकर बोल सकते हैं आप, मैंने ये लिया है। इसमें आप ब्रेड को रोस्ट टोस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी और फ्रेंडली है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मॉर्फी रिचर्ड का बहुत बड़ा वाला है, जिसको मैं सच बताऊँ यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। सो मैंने पोर्टेबल ले लिया था कि अगर मुझे जैसे कभी किस दिन टोस्ट बनाने का मन करेगा सो मैं ये ले लूँगी। सो बहुत ही इजी है ये, आपको बस बटर लेना है, सॉरी ब्रेड लेना है, उसमें अच्छे से बटर लगा देना, क्योंकि आपकी दोनों साइड ना नॉन स्टिक है तो वो जल सकते हैं। तो आपको बैक की तरफ करके इसको रख देना है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से रख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि आलू लेना है, या फिर जो भी आपने टोस्ट बनाया है, जो भी आपको बनाने का मन है सैंडविच तरीके का, वो आप ले सकते हैं। और इसके बीच में आप मेयोनीज डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, जो भी आपका मन है। तो आपको बैक साइड दोनों तरफ में सबसे पहले तो ये जो बटर है वो लगाना ही लगाना है, और विद इन 5 मिनट से बन के तैयार हो जाता है। तो आपको सेकना दोनों तरफ है, तो गैस पे थोड़े 2 मिनट के लिए आप एक तरफ सेकिए, फिर उसको पलट के दूसरी तरफ कर देंगे। तो बहुत ही इजी वे में आपको घर पे बहुत ही इजीली ये टोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। सो ये मुझे बहुत इजी लग रहा है। एक्चुअली मेरे पास बड़ा वाला भी रखा हुआ है, सो मैं उसको यूज़ नहीं करती इतना ज़्यादा, इसलिए मैंने उसका अभी तक रिव्यू नहीं करा। सो कभी मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और छोटा है तो फिर घर में चल जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा भी नहीं है। जो टोस्टर मेकर आता है वो है, वो सैंडविच मेकर कह सकते हैं। तो सैंडविच आपका मन है, आप इसमें बहुत तरीके के अपने तरीके से वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली बस आपको फ्लिप कर देना है और विद इन 2 मिनट्स या 5 मिनट्स बन के तैयार हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।